कोणार्क अपना शहर अपनी बात। पेट्रोल की कीमतें आज अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। मुंबई में पेट्रोल 97 रुपीज पर लीटर में बिका है। पावर पेट्रोल तो उससे भी ज्यादा महंगा है। आइए तो लेते हैं इस पर विस्तार से जानकारी। देश के हालात को देखें तो आज के समय में देश एक बड़ी आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है। जहां पर हम जीडीपी की बात करें तो जिस तरीके से निचले स्तर पर जा चुकी है और जो माइनस में चल रही है, इसके बाद जो कि बाज़ार है उसकी तो हालत अब तक जो है जो कि तो है, क्योंकि कोरोना के समय में जिस प्रकार से जो कि लॉकडाउन लगा था, लोग आर्थिक परिस्थितियों में जो कि आ गए थे, वो अब तक सुधार पर नहीं आ पा रहे। ऐसे में महंगाई की भी मार जो है जनता पर लगातार बढ़ती जा रही है। आजकल जो है सोशल मीडिया में और आप हर जगह पर देख रहे होंगे कि पेट्रोल की कीमतों को लेकर कहीं ना कहीं आपको सुनाई देता है कि वो 100 के पार चली गई है, लेकिन कई जगहों पर अब भी जो है ये खबर जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए ही नहीं पहुंच पा रही। क्योंकि जिस तरीके से पहले जो है कीमतों में बढ़ाव होता था तो विरोध हुआ करता था, लेकिन इस समय जो है विरोध अगर आप करेंगे तो आपको राजनीतिक तर्क देकर बदनाम कर दिया जाएगा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की यदि बात करें तो वहाँ पर जो है पेट्रोल की कीमत समांतर है, यानी कि वहाँ पर किसी भी तरीके की बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी भारत देश में ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस पर राजनीति की जा रही है, तो वहीं पर जो है पेट्रोल के दाम 100 और कई जगहों पर तो 100 के पार भी जा चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम दिन में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपये लीटर के ऊपर मिल रहा है। वहीं पर देश के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिक रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा कि ये दाम अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहे हैं या उन कारणों से जिनका अब तक पता नहीं चल पाया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हर दिन लोगों की कमाई घटाते जा रहे हैं। 2017-2018 के बाद ये तीसरा मौका है जब पेट्रोल की कीमत लंबी छलांग मार रही है। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले समय में जिस तरीके से जो कि आर्थिक परिस्थितियों से लगातार जनता गुजर रही है और कोरोना के बाद भी आर्थिक परिस्थितियां सुधार में नहीं आ रही है, वहीं देश की जीडीपी की भी जो हालत है वो काफ़ी नाजुक है। तो देखना है कि आने वाले समय में पेट्रोल के इस बढ़ते दाम जो कि रिकॉर्ड बना रहे हैं, क्योंकि पिछले 2017-2018 में अगर देखें तो तीसरा मौका है जहाँ पर जो है पेट्रोल के दाम इस तरीके से रिकॉर्ड के बाहर गए हैं। और ऐसे में जो है अब तक भारत में जो कि पेट्रोल की कीमत दर्ज की गई होगी महंगी में, तो सबसे ज़्यादा आज के समय में देखने को मिले। देखना है कि आने वाले समय में ये जो लगातार बढ़ता हुआ पेट्रोल का दाम है वो नीचे आता है, या फिर महंगाई के लिए कहीं ना कहीं विरोध होगा, या फिर प्रशासन इसके ऊपर कोई काम कर पाएगी। कोणार्क अपना शहर अपनी बात।